नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि अगर अभी तक आप भी एक नॉर्मल कीपैड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उसको कैसे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप अभी तक आप भी ऐसे ऐसे नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस कीपैड में आप अपना फोटो या किसी भी तरह का वॉलपेपर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो देख लेना, यहाँ पे आप जब कीपैड ओपन कर लेंगे यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको अगर वॉलपेपर लगाना है तो आप थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम जो है यहाँ पे हमने अपना फोटो भी लगाने का ऑप्शन हमारे पास है। और भी ये बहुत सारी चीज़ है जो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा फोटो भी, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना फोटो लगा पाए तो यहाँ पे आप एक प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके फोटो वाले ऑप्शन पे लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी लगाना है वहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद को वहाँ से लगा सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं एक लगा के इसको लगाना है। जैसे हमको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हल्का दिख रहा है। अगर आपको ज़्यादा डार्क करना है यहाँ से और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा डार्क करेंगे तो आपको जो अपने लिखना है वो कम तरीके से दिखेगा। हम इसको 16 तक रख सकते हैं जिससे आपको लिखने में भी आसानी हो और आपका फोटो भी दिखे। यहाँ पे करने के बाद हमको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ अप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप ऐसे कर देंगे यहाँ पे देखवा रहे होंगे जो दोनों चीज़ आपको बराबर दिख रहा है, अक्षर भी आपके दिख रहे हैं और आपको फोटो भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे इसमें आपको वो जो है मिक्सअप करेंगे तो इसको आपको इस तरह कर देना है, ऑफ करके रखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा वॉलपेपर लग चुका है। तो यहाँ से हमको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारे कीबोर्ड पे जो है वो फोटो लग चुका है। तो इस तरह से आप फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।